चलिए रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। जिला नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तुलार गुफा और मंगारी के बीच पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी ओर कांकेर में नक्सलियों ने बड़ी साजिश नाकाम हुई है, जहां 7-7 किलो के 3 IED बम बरामद हुए हैं। चरेर मरे में मडाम गांव जाने वाले मार्ग पर IED प्लांट कर रही थी। बताया जा रहा है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से IED लगाई गई थी। इसी तरह से BSF और DF की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान IED बरामद की है। दरअसल पूरा मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वी महेश राव इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। महेश, ये एक बड़ी बात है कि नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, लेकिन इसी बीच मुठभेड़ में हमारे एक जवान भी शहीद हुए, जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पूरे बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। चाहे हम बात करें पिछले लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे नक्सलियों का जो तांडव है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसी एवज में यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला जा रहा है नक्सलियों के विरोध में, और उसके एवज में यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें भीषण मुठभेड़ हुआ है। नारायणपुर व दंतेवाड़ा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र तुला गुफा व मंगारी के जंगलों में भीषण मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक DRG के एक जवान हेड कांस्टेबल जो है सालिक राम शहीद हो चुके हैं, और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे नारायणपुर जिला मुख्यालय लेके आया गया है, और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर के उनको गृह इलाका वहाँ भानुप्रतापुर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ इन दिनों लगातार नक्सलियों का जो उत्पात है और नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ की घटनाएं लगातार जारी है यहाँ पर, और एक और नक्सलियों को खदेड़ने का जो पूरा पुलिस दावा कर रही है, और इस बीच में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर के नक्सली लगातार यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जी चलिए, और ये हम तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं महेश अपने तमाम दर्शकों को, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। और महेश, हम यूं कह सकते हैं कि लगातार इस तरह से जो नक्सली है, चाहे कांकेर की बात करें, बस्तर की बात करें, हमेशा वहां पे सक्रिय नजर आते हैं, इसको लेकर एक गहन ऑपरेशन की भी जरूरत हमेशा से महसूस होती हुई आई है। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये जो बस्तर जो इलाका है काफी घनघोर इलाका है, और नक्सलियों का यहाँ पर हमेशा गढ़ रहा है, और जो घनघोर इलाके होने की वजह से, और साथ में यहाँ पे जो राज्य सीमाएं जो लगी है, महाराष्ट्र हम बात करें, महाराष्ट्र या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो इस राज्य के सीमा क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों का जो तांडव है वो हमेशा रहा है, और ये नक्सलियों के खिलाफ में अभी जो अभियान जो चलाया जा रहा है, पुलिस के आला अधिकारी पूरे सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कई आला अधिकारी केंद्रीय स्तर से भी यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर है, और नक्सलियों को यहाँ पर खदेड़ने का जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है। जी महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र यादव कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था, और आपको बता दें कि जो उनके मंसूबे थे उनको धराशायी किया गया। वीरेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपको, कैसे एक बड़ी साजिश को कांकेर में कह सकते हैं कि उनके जो मंसूबे थे उनको खाक में मिलाया गया? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हेलो। जी जी जी, आमाबेड़ा क्षेत्र जो है हमेशा अमूमन जो है नक्सल पे बीट रहा है, हमेशा वारदात उनके हमेशा रहता है। एक महीना पूर्व भी अगर बात करूं तो बड़े बड़े बैनर लगा के एक जवान की हत्या कर दी है। उनकी एक बड़ी साजिश अभी फिर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम जो है प्लान किया गया था, जहां मुखबिरों की सूचना के मदद से जो है CRPF के जवान और DF के जवान जो है सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां साथ साथ आईडी जो बम प्लान किए थे उनको जहां सर्चिंग के दौरान उनको जो है नेस्ट किया है वो। वीरेंद्र, यदि ये पूरा कह सकते हैं कि 7-7 किलो के आईडी बम थे, और यूं कहें कि यदि ये पूरी वारदात सफल हो जाती, यदि उनके मंसूबों में सफल हो जाते, तो कितना नुकसान होता यहाँ पर? जी मैं अब अगर बिल्कुल आपको बताऊं, अगर 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 बड़ी वारदात अगर शामिल होती, कहीं ना कहीं जवानों को और जो सुरक्षा बल जवान है उनको बड़ी एक मुसीबत का और सामना करना पड़ता, और ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां अधिकतर नक्सली जो है अपने इस प्रकार के कामों को अंजाम देती है, जहां जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हरकत करते हैं।
चलिए बहुत शुक्रिया वीरेन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल कांकेर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है।